बनारस जा रहे हैं। ये मेरा बैग है, छोटा बैग है। सो डन विद द पैकिंग एंड वी हैव अ ट्रेन अराउंड 7 o'clock, सो अबाउट टू लीव। एंड बस हम लोग एक्चुअली 2 दिन के लिए जा रहे हैं और हम लोग संडे आई थिंक रात में वापस भी आ जाएंगे। और हम वंदे भारत से वापस आ रहे हैं। जाने के लिए शिवगंगा हम लोगों ने ट्रेन बुक किया था एंड आई थिंक हम लोगों ने 2 या 3 महीने पहले बुकिंग कर ली थी। सो आई विल सी यू गाइज सून। बाय बाय, मानो से बाय बाय। लास्ट जो मैंने ट्रेन जर्नी की थी आई थिंक मैंने 2008 में की थी, उसके बाद अब मैं 2019 में कर रही हूँ। इट गोज़ टू माय पति, थैंक यू। सो रीजन बिहाइंड प्लानिंग दिस होल ट्रिप इज मेरा बर्थडे आ रहा है, तो हमने सोचा एक छोटी सी वीकेंड वाली बर्थडे ट्रिप बना लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बर्थडे वीकेंड ट्रिप। हाँ, तो बर्थडे वीकेंड ट्रिप हम इसे बोल सकते हैं। थैंक यू पति, इस अच्छी सी ट्रिप के लिए। सो आई कीप यू अपडेटेड गाइज एंड I'll see you soon. Hi. So our journey has just started from Delhi to Banaras, guys, and let me tell you some fact about Banaras, also known as Kashi and Varanasi. So guys, Banaras also referred as the land of spirituality, the religious capital of India, located along the banks of river Ganga in the state of Uttar Pradesh, India. So in Banaras, you'll find lots of temple, guys. So it's also been known as the city of temple, and it's the most oldest living city on the earth. So we have finally reached to Banaras and hum log just abhi station se bahar aaye hain. Yes, that's the station. So that's a new station here. Now going to catch a auto. So you have to do a bargaining because bahut zyada ye log charge karenge else. Guys, I am back again. Yes, so we reached around at the guest house I think 11 o'clock, 10:30 to 11 o'clock ke hum actually beach mein aaye the aur uske hum logon ne soya hai, thodi neend apni puri kari aur ab hum log nikal rahe hain BHU ko explore karne ke liye, kuch temples ko bhi ghumne wale hain hum log. So I am all set. पूरी आज मैं इंडियन लुक में हूँ, बनारस घूम रही हूँ एक इंडियन अटायर में. सो ऑल सेट, आज हम लोग BHU, फिर आई थिंक हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने वाले हैं, एक दो घाट्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया है जस्ट इन केस कुछ चेंज होता है. सो आई लेट यू नो गाइस.
सो जो हमारी ट्रेन जर्नी थी मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज मैं लाइक ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए मुझे ट्रेन जर्नी किए हुए. सो या वो भी बहुत अच्छा था, मज़ा आया. हम लोगों की शिव गंगा थी दिल्ली टू बनारस एंड संडे वी आर रिटर्निंग बैक टू दिल्ली. सो दैट टाइम वी हैव बुक वंदे भारत. सो उसका भी एक एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो द डिस्टेंस जो था आई थिंक वो 750 किलोमीटर्स है और आपको 11 से 12 घंटे लगेंगे. फ्लाइट का फ़ायदा ये होगा आपको आई थिंक एक घंटा 25 मिनट समथिंग कुछ टाइम लगता है. सो टाइम सेव कर सकते हो आप उसमें. उन्होंने ट्रेन को प्रेफर किया दिस टाइम. ये भी अच्छा है वैसे, पता है पैदल नहीं चलना है, बाइक पे बीएचयू कैंपस घूमो है ना, सही है ना भाई. वैसे मतलब देखा जाए तो हम बीएचयू में ही चल रहे हैं अभी ना. हाँ तो वी आर एक्सप्लोरिंग बीएचयू है ना. तो मैप में ही हमें किधर लेके जा रहे हैं अभी हम लोग, उधर जा रहे हैं. अच्छा काशी विश्वनाथ टेम्पल सीधा BHU campus right now, Banaras Hindu University. So guys, the university got established in 1916 by Madan Mohan Malviya. So ये काफ़ी बड़ा campus है, काफ़ी सारे courses हैं इस पूरे campus के अंदर, greenery बहुत है. So यहाँ पर अभी एक नया temple भी like open हुआ है, I don't remember कि कब हुआ. तो विश्वनाथ temple है. So देखो मैंने टीका भी लगा लिया. So मंदिर के दर्शन भी हो गए, campus भी थोड़ा घूम लिया ही हम लोगों ने. So अभी हम लोग जा रहे हैं संकट मोचन एंड एक दो मंदिर और है मंदिर को घूमने के लिए. सो लेट्स गो. So done with the darshan at the temple, and this temple is situated inside the campus guys, and it has got the tallest tower in the entire world. And yeah, this temple is dedicated to Lord Shiva and it's one of the famous tourist attraction place here in the Banaras. So you must visit this temple, especially if you have time. To like raat mein dekhiye because kafi sari lighting ho jati hai. We don't have much time because we are here for like 2 days only. So hum logon ne abhi time nikal ke isko dekh liya, and abhi hum लोग जा रहे हैं लाइक संकट मोचन मंदिर को देखने के लिए. एंड एज यूजुअल द फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द मंदिर, इवन किसी भी मंदिर में अलाउड नहीं है. सो हेयर आई एम स्टैंडिंग इन द पार्किंग डन विद द दर्शन हेयर एंड जस्ट रिकॉर्डिंग अ स्मॉल वीडियो हेयर. एंड यू कैन कीप योर फोन एंड बैग्स, दे हैव प्रोवाइडेड द लॉकर्स ऑल्सो. And Sankat Mochan Temple, it's a Hindu temple guys, and it's dedicated to Lord Hanuman. So on Tuesday and Saturdays like काफ़ी भीड़ मिलेगी यहाँ पर, but आज Friday था so हम लोगों को उतना भीड़ नहीं मिला. So now we are heading towards to do some shopping, at least some shopping. Yeah, so look at the narrow streets in Banaras, like it's not accessible by car or any four-wheeler. So either by रिक्शा और by ई रिक्शा एंड या बाइक से भी कर सकते हो. सो हम लोगों ने आई थिंक थोड़ी सी शॉपिंग की थी. आई हैव बॉट सम बनारसी दुपट्टा फॉर मी फॉर माई फैमिली एंड सम सूट, दैट्स इट.
So guys, we are reaching at the Dashashwamedh Ghat, and it's the main ghat in the Banaras on the Ganga river. So here I am to experience the Ganga Aarti. It's a very famous here in Banaras. So in summer they'll start the Aarti around 7 o'clock, in winters most probably around 6 o'clock. So look at the bheed, like kitni zyada log aaye hain is Aarti ko experience karne ke liye, and you can pay some extra bucks to get the VIP seat here. So Lord Brahma has created this ghat to welcome Lord Shiva, according to our history. सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने अपने स्थान So guys, you can also hire a boat here for the better view of the Ganga Aarti, and the whole Aarti lasted for around 45 minutes to 1 hour. So I have enjoyed this Ganga Aarti, and you must visit Banaras and experience this beautiful Ganga Aarti. So guys, now we are heading towards Assi Ghat for our dinner, and we are going to Pizzeria Vatika cafe there, and you must try apple pie. It's so delicious. So guys, at Assi Ghat you can also experience the Subah Banaras. It's a combination of cultural and spiritual event. So it starts early in the morning around 5 o'clock before sunrise. So आप इसको भी experience कर सकते हैं. और अब मैं अपना video यहीं पर ही समाप्त करती हूँ, और मैं अब आपको मिलूँगी मेरे अगले video में. और अगले video में मैं आपको ले जाने वाली हूँ सारनाथ घुमाने के लिए, एंड काशी विश्वनाथ मंदिर जो पुराना मंदिर है वहाँ पर मैं आपको ले जाने वाली हूँ घुमाने. So here I am ending this vlog. I hope you have enjoyed this video guys. So I'll see you in my next video, and do like, share and subscribe to my channel for more travel video update. Bye guys.